मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र यादव फपक फपक कर रोने लगे। दरअसल इस बार के चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण वर्तमान विधायक अपने समर्थकों के बीच रोने लगे। वहीं विधायक के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जिले के ब्रह्मपुर निवासी अशोक सहनी समाहरणालय परिसर में चाय बेचने के साथ साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाय बेचने के दौरान हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एहतियात भी बरत रहे हैं। कोरोना महामारी में बिहार में चुनाव जिस तरह से हो रही है, इसके प्रति चुनाव आयुक्त द्वारा जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, इनको देख के मेरे अंदर ख्याल है कि मैं भी जागरूक करूं लोगों को। इसके प्रति मैंने 2 गज की दूरी मास्क जरूरी और मास्क और उसके बाद मतदान के प्रति मैंने टी शर्ट पर लिखा है आपका मतदान लोग करें। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता और पूर्व प्रत्याशी परवेज आलम राजद के खिलाफ बगावत कर दिया है। परवेज आलम ने कहा कि अगर उन्हें राजद टिकट नहीं देती है तो वो जेडीयू का समर्थन करेंगे। विधानसभा से तो सीट तो जाना ही है, वो तो हार का माला आज ही पहन ले। जिस आदमी को मिला है टिकट उसको कोई जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। और बारी को यहाँ कभी नहीं ऐसा कतई नहीं पसंद करेंगे। रहा बात कि हम जहाँ तक समझते हैं मुजफ्फरपुर सीट सभी जगह से लूट करेगी। मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय में अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस मौके पर जिले के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और बच्चियों की शिक्षा पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस है। इस अवसर पे ICDS के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन सभा कक्ष में किया जा रहा है, और जिसमें जिलाधिकारी हमारे अध्यक्ष हैं तथा जिले के तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, महिलाएं और बच्चियां भी आई हुई हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव की परंपरा सदियों से चली आ रही है उसका विरोध करना, लड़कियों को प्रोत्साहित करना, बच्चियों को भी समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना। जहानाबाद जिले के पाठक टोली के प्राथमिक विद्यालय में दिवंगत मंत्री रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पण करते हुए 1 मिनट का मौन रखा। इस दौरान लोगों ने कहा कि उनके कार्यों को दलित समाज कभी नहीं भूलेगा। आज हम लोग दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी को इस क्षति हम लोग समझ रहे हैं कि SC ST के संघ के क्षति पहुंचा हुआ है। जब हम सिक्योरिटी आरा में थे वहाँ कुछ कांड हुआ तो उनको बुलाए तुरंत आ गए, जहाँ हम लोग बुलाते थे तुरंत आ जाते थे, इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ है। जहानाबाद के सिविल सर्जन विजय कुमार ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यह अभियान 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में पोलियो अभियान को लेकर 600 कर्मी लगाए गए। उन्होंने कहा कि जब तक पोलियो खत्म नहीं हो जाता तब तक यह अभियान चलता रहेगा। एक्चुअली पल्स पोलियो का आज उद्घाटन हुआ है, और इस पल्स पोलियो में कल हम लोगों ने रैली भी किया था। ये पल्स पोलियो के अभियान में 11 से लेकर 14-16 तारीख तक इसका प्रोग्राम चल रहा है। प्रत्येक घरों में जाके हमारी आशा बहने हैं, हमारा ANM है, वह टीकाकरण ड्रॉप पिलाएंगे, 2-2 बूंद पिलाया जाता है। और मेरे पूरे जहानाबाद क्षेत्र में टोटल 1,90,000 बच्चे हैं जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं। जहानाबाद जिले में निर्वाचन अधिकारियों के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में जमकर वोट करें, यह आपका अधिकार है। वहीं इस कार्यक्रम में आशा, आंगनबाड़ी और सेविका भी मौजूद रही। आज हम लोगों ने जहानाबाद में जो स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो अब चल रहा है, हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से हम अपने जो वोटर समाज हैं उनको जागरूक कर रहे हैं कि सभी लोग आज हस्ताक्षर कर रहे हैं और साथ में या शपथ ले रहे हैं या साइन कर रहे हैं कि हम लोग निश्चित रूप से 28 अक्टूबर को यहाँ पे अपने मतदान का उपयोग करेंगे और लोकतंत्र को सशक्त करेंगे। जहानाबाद गया के गांधी मैदान में विधानसभा चुनाव की पहली रैली को आयोजित करते हुए BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश में हो रहे विकास कार्य नहीं दिखता है। वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के मोदनगांछी मोहल्ले में लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पण किया गया, तो वहीं पूर्व वार्ड पार्षद श्याम पासवान ने कहा कि उन्होंने दलित और पिछड़ों की भरपूर सेवा की है। मधुबनी जिले के ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र दास ने चुनाव में अपने सदस्यों की प्रतिनियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। धर्मेंद्र दास का कहना है कि जिला अधिकारी और निर्वाचन आयोग के द्वारा उनके सदस्यों को चुनाव में सहभागिता दी जाए ताकि चुनाव बेहतर ढंग से कराया जा सके। जमुई जिले के झाझा में दुर्गा पूजा और विधानसभा चुनाव को लेकर शांति समिति के द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सरकारी गाइडलाइंस को पालन करने पर चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दशहरा पूजा के अवसर पर आज 11 बजे पीस कमेटी की आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया है COVID-19 के कारण उसका 100% अनुपालन करना है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अरवल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दीपक कुमार ने लोगों से जात पात से ऊपर उठकर वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे उन्हें अपना नेता ना समझकर अपना बेटा समझें। कोसी स्नातक क्षेत्र चुनाव को लेकर पूर्णिया के विजेंद्र पब्लिक स्कूल में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण केंद्र और निरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्नातक निर्वाचन जो 22 अक्टूबर को होना है उसके लिए पूर्णिया जिले में 19 बूथ बनाए गए हैं, तो सभी बूथों पर जो भी मतदान दल रहेंगे उनकी आज ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है, पहली ट्रेनिंग आज दी जा रही है और उसमें इस निर्वाचन से संबंधित और कोविड सेफ्टी से संबंधित सारी चीज़ें बताई जा रही हैं।